हेलो गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही नए लोन एप्लीकेशन का। सो गाइस, अगर आप बहुत सारे पुराने लोन एप्लीकेशन से अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप सभी लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, तो तैयार हो जाओ इस नए लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही लेटेस्ट और नए लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा जो देता है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को ही लोन। ठीक है, सो गाइस, लोन चाहिए तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और किसी को लोन चाहिए आपके दोस्तों में तो उनके पास हमारा ये वीडियो शेयर डेफिनेटली कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको खराब सिविल पे लोन चाहिए, आपका सिविल स्कोर कम है, खराब है, कोई भी आपको लोन नहीं दे रहा है और सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से लोन चाहिए, तो अभी मैं एक जो लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन खराब सिविल पे लोन चाहिए तो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। आपको दे देता है कम सिविल और खराब सिविल पे लोन। बहुत ज्यादा सिविल कम है, बहुत ज्यादा खराब है, तब थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लोन मिलने में, शायद ना दे, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत कम है, मान लीजिए 650 है, तो डेफिनेटली आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लोन दे देगा। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, थोड़ा बहुत खराब है, तो आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी से ही लोन मिल जाता है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है। लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखिए लिंक से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको लोन मिलने के। अब चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ इस नए लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। काफी ज्यादा बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को ही लोन देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपने फोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये एप्लीकेशन है जो आपको लोन देगा, ये मिनिमम लोन देगा 5,000, मैक्सिमम आपको लोन देगा 2,00,000 रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक का लोन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट 36% पर एनम का है। ठीक है, मिनिमम भी इतना ही और मैक्सिमम भी इतना ही है, मतलब 36% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगेगा। एज आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए 55 साल। ठीक है, 21 से 55 साल के अंदर अंदर आपका उम्र होना चाहिए लोन लेने के लिए। 36% मैक्सिमम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसका इंटरेस्ट रेट है। लेट पेमेंट फीस यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कितना है, तो वो आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा 5% और लेट पेमेंट फीस यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही। बाकी यहाँ पे लोन का टेन्योर जो है 90 दिन से लेके 365 दिन, मतलब एक साल के लिए आपको मिल जाएगा। जितना आपको लोन मिलेगा उसी हिसाब से आपका टेन्योर भी बनेगा। ठीक है, लोन का बाकी प्री क्लोजर चार्जेज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एज एप्लीकेबल, मतलब एप्लीकेबल है प्री क्लोजर चार्जेस। और यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें लोन का, तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, आपको लोन मिल जाएगा अगर आपको, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया कि अगर आपको ये 30,000 का लोन देते हैं तो इंटरेस्ट रेट 30% का लेंगे पर एनम का, 3 महीने के लिए वो लोन रहेगा। ठीक है, और आपका जो ईएमआई आएगा, ईएमआई यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आपका जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो लगेगा 500 रुपया प्लस 90 रुपया, 590 रुपये लगेगा प्रोसेसिंग फीस और GST वगैरह मिला के। और आपका जो इंटरेस्ट है वो 2,250 रुपये लगेगा टोटल। आपके बैंक में ये लोग डिसबर्स करेंगे इतना रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है 29,410 रुपये। ठीक है, यहाँ इतना आपके बैंक में डिसबर्स किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको टोटल रिपेमेंट करना है वो करना है 32,250 रुपये। आपका जो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कितना EMI वगैरह लगेगा सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, आपका 3 महीने का, 1 महीने का EMI आएगा 10,750 रुपये। यहाँ पे GST वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन को कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन से तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा वो डालना, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी वगैरह डाल के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को ये एप्लीकेशन लोन देता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो यहाँ पे आपका मंथली इनकम का सोर्स जो है वो दिखाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, साथ में सैलरी स्लिप भी दे सकते हो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का दे सकते हो। 3 से 36 महीने के लिए आपको ये एप्लीकेशन लोन देता है। जो सैलरीड है वो सैलरी स्लिप दे देंगे, जो बिजनेसमैन है, जो सेल्फ एम्प्लॉई है, वो अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं अपना इनकम वेरीफाई कराने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो गाइज, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी वगैरह तो देना ही है, साथ में बैंक स्टेटमेंट या तो सैलरी स्लिप आप दे सकते हो। बाकी काफ़ी नया लोन एप्लीकेशन है, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इस एप्लीकेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है और ऑफिस का इसके मेल आईडी है, कोई भी दिक्कत आए आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो। इनके कंपनी के नीचे एड्रेस है,
अगर हम ऐप परमिशन की बात करें तो कैलेंडर, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, SMS, अदर सबका परमिशन ले रहा है, लेकिन कुछ करेगा नहीं क्योंकि NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो कुछ भी करेगा नहीं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह पे फ़ोन, लेकिन हाँ परमिशन ले रहा है। और 29 अक्टूबर 2023 को ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ है, मतलब कि पिछले साल का ये बहुत ज़्यादा पुराना एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन है। अभी मैं आपको इसका रिव्यूज़ वगैरह, रेटिंग वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो यही एप्लीकेशन था गाइज, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो सारे बड़े सिटीज़ में लोन देता ही होगा, बट एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करके चेक कर लेना आपके सिटी में लोन देता है कि नहीं देता है। अब बैक करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है राम फिनकॉप पर्सनल लोन ऐप, ठीक है, राम फिनकॉप पर्सनल लोन ऐप। 4.2 की रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं, 4.2 की रेटिंग है, 1 मिलियन इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। बाकी गाइज यहाँ से नीचे से आप सी ऑल रिव्यूज़ करके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी इसको मिले हैं, ख़राब ख़राब रिव्यूज़ भी इसको मिले हैं, लेकिन हाँ NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको तो लोन दे ही सकता है। तो रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोन एप्लीकेशन मुझे लगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 लाख रुपये तक का आपको लोन दे रहा है भाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आप देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी जो ट्रू बैलेंस है उसका लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी से आपको 50,000 रुपये तक का लोन दे देता है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है। लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का डाउनलोड करो, लोन के लिए अप्लाई करो। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, चलिए जी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।